कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून और ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में सरकार ने 26 अप्रैल की शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं। ऐसे में दूध, सब्जी, फल, मेडिकल स्टोर, राशन, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी जैसी सभी आवश्यक सेवाओं के संचालन को छूट दी गई है, मगर जानकारी के अभाव में शहर के लोग पैनिक हो गए। लोग सोच रहे हैं कि शायद कोरोना कर्फ्यू के दौरान उन्हें सब्जी और राशन खरीदने में परेशानी होगी और इसी को लेकर लोग बाजारों में अचानक जमकर पहुंच गए और खरीदारी करने लगे, जिससे कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा बन गया। साथ ही साथ शहर में जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई और इस जाम के दौरान शहर से गुजरे विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस स्थिति पर अपनी चिंता जताई है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ, मैं अभी बाजार के बीच से ही जब मैं आ रहा था तो मैं बार बार देख रहा हूँ, हर दुकान पे भीड़ है, हर दुकान पे लोगों को लग रहा है कि अब कल को क्या होने वाला है। लेकिन मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ, जिस प्रकार से सरकार ने ये जो 7 दिन का लॉकडाउन किया है हमारे नगर निगम में, देहरादून नगर निगम है जिसमें ऋषिकेश नगर निगम है, कोटद्वार है, रामनगर है, इस प्रकार से जो 5-6 हमारे बड़े बड़े जो शहर हैं उन पर किया है, उसका एकमात्र कारण यह है कि इस दौरान हमारे इन्हीं शहरों के अंदर बहुत तेज़ी से कोरोना फैला है, मरीज बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। आखिर उस चेन को तोड़ने का काम भी तो हम सभी का है ना, और मैं तो अपील कर रहा हूँ जनता से कि जनता जिस प्रकार से हमेशा जनता ने सरकार को, सरकार की बात को, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो किया, फिर फॉलो करेगी, फिर हम सरकार के जिस प्रकार से बातें हम लोग कह रहे हैं, कर रहे हैं, उसको जनता जरूर स्वीकार करेगी। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता भी नहीं दिखाई दिया। शहर में सुबह से दोपहर तक लगातार जाम लगने से वाहन भी रेंग रेंग कर चलने को मजबूर रहे। एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू देहरादून नगर निगम क्षेत्र, ऋषिकेश नगर निगम के अलावा गढ़ी और क्लेम टाउन छावनी क्षेत्र में लागू किया गया है। देहरादून में कोरोना के संक्रमण के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। रविवार को भी कोरोना के 1670 मामले एक दिन में दर्ज किए गए। इसके अलावा जिले में कई अस्पतालों में 16 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। साथ ही हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक जिले में रविवार को 6961 लोगों की जाँच कराई गयी, जिसमे अभी भी जिले में 12084 सक्रिय मरीज है। साथ ही साथ 1209 लोगों की मौत भी जिले में अब तक हो चुकी है। वहीं रविवार को ही 16 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। ऋषिकेश से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।